हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं जो है वो बनाई थी, क्योंकि आपको पता है काफ़ी मसरूफियात चल रही थी। क्रिसमस सर पे है बिल्कुल, और तकरीबन 3 से 4 दिन रह गए हैं क्रिसमस में, तो बस तैयारियाँ वगैरह चल रही थी, और साथ साथ जो है वो मेहमानों का आना जाना ये वो लगा हुआ था सारा कुछ। तो इसकी वजह से जो है जो मैं अपना वीडियो व्लॉग है वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैंने डेकोरेशन की वीडियो जो है वो डाली थी, लेकिन उस पर जो है मेरे को इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मेरे हुए, क्योंकि जब हम लोग 5-6 दिन गैप के साथ वीडियो बनाते हैं तो जो है हमारे फ्रेंड्स हैं वो समझते हैं कि हम लोग कहीं चले गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो हम अपना व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहे होते, तो उस चीज़ को आप लोग भी समझा करें। तो वो बाकी ये जो है आज मैंने अपने लिए जो है वो चिकन कढ़ाई बनाई थी, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, और साथ साथ जो है मैंने अपने कर्टन्स चेंज किए थे तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कर्टन्स वगैरह हम लोगों ने आज लगाए हैं अपने, बाकी ट्री की डेकोरेशन जो है वो रहती है अभी भी। तो यह है कि हम जो है वो लगा के आपको जो है दिखाऊंगी, सारी चीज़ें डेकोरेट कर लूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैंने आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर की, और मैं अपने कर्टन्स जो मैंने उन लोगों ने चेंज किए वो दिखाती हूँ आपको। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये जो है यहाँ पे मैंने ये वाले अब जो है वो ब्लैक वाला पर्दा हटा के तो ये वाले जो है मैंने चेंज किए हैं अपने कर्टन्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाले पर्दे जो हैं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। अभी इसके ऊपर भी जो है लाइटिंग वगैरह लगाऊंगी, इसके ऊपर भी लगाऊंगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो मैंने टमाटर जो है अच्छे तरीके से उसका सिर्फ पेस्ट बना लिया है। अभी मज़ीद और पेस्ट इसका जो है वो तैयार हो रहा है। फिर इसके अंदर जो है मैं चिकन अपना ऐड करूँगी। चिकन कढ़ाई के अंदर मैं प्याज नहीं ऐड करती, मैं टमाटरों के अंदर ही जो है वो चिकन कढ़ाई को तैयार करती हूँ। तो अभी ये टमाटर मैंने अच्छे से गलने के लिए रख दिए थे, ये हो चुके हैं तकरीबन। अभी जो है थोड़ा सा रह गया है, अभी मैं इसको मज़ीद और होने दूंगी, इसका पेस्ट बना लूंगी। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये देखें टमाटर जो है हमारे हो चुके हैं। अब मैं जो हूँ वो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और ये देखें मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूंगी, साथ ही मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूंगी, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो जो है सब पेस्ट में निकल जाए। लेकिन 10 मिनट के बाद चिकन ज़रा अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर जो है वो दही ऐड कर दिया है, मैंने इसके अंदर जो है 10 मिनट के बाद दही ऐड कर दिया है चिकन के अंदर,
और अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी और ऑयल ऊपर आने का वेट करूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी चिकन कढ़ाई बनके कैसी तैयार हुई है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये देखिए ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ चुका है और अभी ये मज़ीद और ये जो दही का पानी वगैरह है जो चिकन ने अपना पानी वगैरह छोड़ा था ये सब सूख जाएगा, खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। और पहले जो है वो फ्लेम जो था वो मैंने थोड़ा स्लो किया हुआ था, अब मैं थोड़ा सा फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई करूँगी। वो इसलिए क्योंकि जो आपको अभी भी थोड़े से टमाटरों का ये जो नज़र आ रहा होगा ना, इसको हम अच्छे से ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसका पानी, चिकन कढ़ाई का जो हमारा पानी है और जो दही ने पानी छोड़ा है अपना वो सब इसमें पक के खुश्क हो जाएगा। मैं इसका फाइनल लुक भी आपको चेक करवाऊंगी, अभी ज़रा ये हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा बीच का लुक, ये देखिए चिकन कढ़ाई का कैसा लुक आ रहा है। तो अभी ये जो इसका आपको थोड़ा सा ये शोरबा वगैरह नज़र आ रहा है ना, पानी वगैरह, ये जो है वो जो है दही ने पानी अपना छोड़ा है। तो अभी ये ड्राई हो जाए तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बीच का लुक मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जो बीच का हांडी का लुक है ये देखें, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। अभी ये मैं 10 मिनट और इसको रखूँगी ताकि जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ये अच्छे से और जो हैं इसके अंदर मैश हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं दिखाती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है मैं वो एंड में डालूंगी जब हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। धनिया लिया है मैंने, ये हरी मिर्च ली है और अदरक को बारीक बारीक काट लिया। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारी जो चिकन कढ़ाई थी वो रेडी हो चुकी है और अब मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी। और ग्रीन चिली ऐड करूँगी और ऊपर से मैं हल्की सी इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड करूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको जब हम लोग खाना खाएंगे तो फिर डिश आउट करेंगे। अभी मैं आपको डिश आउट नहीं करके दिखा रही, अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो ये जी हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं इसको 2 मिनट और दम दूंगी, जो मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची वगैरह जो ऐड करी है उसकी थोड़ी सी जो खुशबू है वो और इसके अंदर ऐड हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप की जो रेसिपी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और भी न्यू क्रिसमस के जो व्लॉग्स होंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खुदा हाफिज़।